ट्रक आर्ट आपको दिखाएंगे। खुशाब इज़ फेमस फॉर ट्रक आर्ट। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रक की बॉडी बनाई जाती है बल्कि उसको डेकोरेट भी किया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो माहिर पेंटर्स हैं, जो अरसे दराज से कई सालों से यही काम कर रहे हैं, वो खूबसूरत नक्श व नगार बनाते हैं, फूल और मुख्तलिफ़ अशिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उसको सजाते हैं। तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ये बहुत एक आर्ट है, एक यूनिक आर्ट है जिसमें फेमस है। इसमें जो है इसके तीन चार मराहिल हैं, यानी कि सबसे पहले बॉडी मेकिंग है। खाली इंजन आता है, उसके ऊपर खाली फ्रेम आता है गाड़ी का, उसके ऊपर जो है ना सबसे पहले लकड़ी की जो बॉडी बनाई जाती है। बॉडी जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद उसको डेकोरेशन का पेंट, खाली पेंट किया जाता है, सिंपल पेंट। फिर उसके बाद जो है उसको कलरफुल दीदा से पेंटिंग की जाती है, मुख्तलिफ जो ड्राइवर हजरात हैं अपनी पसंद की चीज़ें बनवाते हैं। फिर एंड पे जो बैक साइड पर जो हमारे दोस्त हैं कारीगर, वो उसकी ना प्लास्टिक से डेकोरेशन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इन्होंने बनाए हैं, ये सीनरी बनाई है। इसके साथ मुख्तलिफ परिंदों की तस्वीरें हैं, उधर उकाब की तस्वीर है, नीचे गुलाब का फूल है, और इधर भी मेरी इस साइड पे भी ऊपर गुलाब के फूल बनाए हैं, नीचे परिंदे मुख्तलिफ। क्योंकि ये ड्राइवर हजरात, ये एक हमारे खुशाब के कल्चर को ये चीज़ जाहिर करती है। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस्ताद ज़हीर अल मारूफ उस्ताद मक्कन साहब से, जो गुज़श्ता 40 साल से ट्रक आर्ट के बेहतरीन पेंटर हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाड़ी को ये सजाते हैं और पेंट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सा जी क्या हाल है? खैरियत है। क्या नाम है तोड़ा? मोहम्मद ज़हीर और मक्खन पेंटर। माशाल्लाह, खुशाब शहर दी? जी खुशाब शहर। ते ए फरमाओ सा जी, कितना अर्सा हो गया तुसा इस काम में? तकरीबन 42-43 साल। 42-43 साल, माशाल्लाह देख लो, इतना वसी इना दा तजुर्बा है। सा जी, काम तुसा कैंदे कुल सिखया है? उस्ताद अल्लाह दित्ता सरगोदे वाले। अल्लाह दित्ता सरगोदे वाले जेड़े पेंटर हैं उन्हां कोलों ए काम सिखया। तो उस्ताद जी ये फरमाओ भाई, इस तू अलावा होर जेड़े नामी ग्रामी पेंटर केड़े गुजरे जेड़े कोई फोत हो गए खुशाब दे इस काम में, ट्रक काले पेंट काम में? ट्रक उस्ताद लतीफ पेंटर आए जी। अच्छा जी, अब्दुल जब्बार पेंटर आए जी, मुश्ताक पेंटर आए, इस्लाम पेंटर आई, काजम पेंटर आई, मंजूर पेंटर आए जी, ये फौत हो गए। तो बिलाल उमी साहब भी? बिलाल उमी साहब भी, हाजी रमजान पेंटर भी, ये फौत हो गए। माशाल्लाह। अच्छा हूँ असं थोड़े को उसाज पूछते हैं, सन विखाओ गड्डी जी तुम तैयार कर रहे हो। आओ ना जी, इधर गड्डी तैयार की है जी, डेकोरेट की है। अच्छा, ये सब तो पहले जड़ा है नीला कलर है किधर रियाज साहब ने किया जी। अच्छा, उस तो बाद डेकोरेट असी बनाई है जी। अच्छा अच्छा, लिखण वाले साहब शफीक साहब ने। अच्छा, लिखाई किसी और पेंटर की थी? तोड़ा उस आजी दिस वर्क केड़ा ए काम है जी साडा? ए हसन भाई ये दिखाओ ना, ये फोकस करो, ए डेकोरेट। ठीक है, यानी कि दे रंग साज अलग हैं जी, ते ए पेंटर डेकोरेट लिखाई वाले अलग लिखाई खतात उस्ताद साहब ने अखलोते। साजी तुम्हारा हबीब नाम है मेरा। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੀਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਖਰ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ PSLA ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਬ ਹੈ, ਚਕਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਨਫਰਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟਰੱਕ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਕੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ, ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਸ ਕੀ ਗੁਣ ਜੀ। ਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ये लकड़ी के तख्ते जो आप देख रहे हैं, इनको जोड़कर ट्रक की बॉडी बनाई जाती है। इस वर्कशॉप में ट्रक कुछ इस हालत में आते हैं, फिर महीनों की मेहनत के बाद इन्हें तैयार करके बाहर निकाला जाता है। शुरू में इस शक्ल में यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं किस एरिया में ट्रक की बॉडीज़ बनाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़। मोहम्मद मुमताज़, आप ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1995 से।
1995 से माशाल्लाह। खुशाब में बहुत अच्छा काम होता है, अच्छे तरीके से ग्राउंड तैयार की जाती है, उसके ऊपर फिर पेंट किया जाता है। आप ग्राउंड तैयार कर, आप कहें कि जो पेंट होता है उससे पहले यानी कि आपने ग्राउंड बेस बनानी है, बेस बनानी है, बेस बना के फिर ऊपर रगड़ाई करके पेंट, यानी कि सबसे बेस काम आपका ही है, बेसिक काम, ताकि फिर पेंट वालों का बाद में काम आता है उसमें। जी जी बिल्कुल इसी तरह सही माशाल्लाह। अब हम आए हैं एक और वर्कशॉप में, यहाँ भी ट्रक को सजाया जा रहा है और पेंटर जो है उसके ऊपर खत्ताती कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस ट्रक की बॉडी पर प्लास्टिक का और प्लास्टिक की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, इस ट्रक को आरास्ता किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ट्रक ये बनाया गया है।